और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली जा सकते हैं। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा मृत्युंजय के पास लेकर के चलते हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी हलचल चल रही है, उस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बिल्कुल यही निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस कैंप में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब जो पूरा फोकस है वो बीजेपी की भूमिका पर होगा, बीजेपी के रोल पर होगा, और देवेंद्र फडणवीस कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये बहुत बड़ी खबर होगी। ऐसे पर देवेंद्र फडणवीस के आज दिल्ली जाने की खबर है, ऐसी बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में उनकी दो बड़े नेताओं से बैठक होगी। बैठक किसकी होगी, कहाँ होगी, ये जानकारी नहीं दी गई है, पर बीजेपी के बेहद करीबी जो सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा सकते हैं, वहां मुलाकात करेंगे और संभवतः आने के बाद, मुंबई लौटने के बाद, अपनी आगे की रणनीति और भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बात और जानकारी दे दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं को दिल्ली से सीधे, दिल्ली से प्रोटोकॉल, एक हाईकमान से सीधा आदेश आया है कि किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे और साथ ही साथ ना ही मीडिया से बातचीत करे, और भाजपा नेताओं को बहुत ही लो प्रोफाइल रहने के लिए कहा गया, यानी कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरा घटनाक्रम चला उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, इस बात का भी आदेश जारी किया गया है। सिटी जानिए, कोरिया सिटी, कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी, वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी, ABP News, आपको रखे आगे।